हमारे साथ जो फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सुधाकर गुप्ता। और नमस्कार सुधाकर, सुधाकर गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आ रही है? जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए किस टॉपिक पे गुड सवाल मॉर्निंग। पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं एनएचपीसी पर पूछना चाह रहा था। मैंने 104। हाँ, आ रही आ रही है। सर अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और मुझसे फोन पर बात कीजिएगा, मुझे बाइंग प्राइस जाननी है आपकी एनएचपीसी में। 104 रुपए का मैंने दिया था एनएचपीसी, ठीक है 200 शेयर लिए थे। हाँ, तो अब इसमें मुझे क्या करना है? अभी 1 महीने पहले लिया था। और कितना रुकना चाहते हैं? मैम, अगर प्रॉफिट आएगा तो रुक जाएंगे, जल्दी नहीं है फिर। तेजस मुनाफा होने तक इनको रुकना है, क्या कहते हैं चार्ट्स? स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, लेकिन जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। एक उनको मैं स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा 98 का। मेरे हिसाब से जब तक स्टॉक 98 के नीचे जाता नहीं है, स्टॉक में बने रह सकते हैं। ऊपरी ऊपर में जो मुझे लग रहा है, स्टॉक 113 का पहला लक्ष्य आ सकता है, और अगर वो पार करता है तो 118 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि 98 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए 118 के लक्ष्य के लिए।